मौला अली, मौलाए कायनात, शेर खुदा, इमाम हुसैन के वालिद, तो इमाम हुसैन की कब्र की जगह भी देख कर आए थे। रिवायत है कि अबू नुएम ने नुजी हजरमी से रिवायत किया है कि वो सफ़र सिफीन में मौलाए कायनात के साथ थे। वो कहते हैं कि जब हम नैनवा के करीब पहुँचे, जहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस है, तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने निदा लगाई, आवाज़ लगाई, ए अबू अब्दुल्ला, फुरात के किनारे ठहर जाओ, रुक जाओ। मैंने अर्ज़ की, किस लिए रुके हैं? इस वक्त मौलाए कायनात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी है कि इमाम हुसैन फुरात के किनारे शहीद किए जाएंगे। रावी कहते हैं, फिर हम मौलाए कायनात के साथ इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कब्र के मकाम पर पहुँचे। मौलाए कायनात ने वहाँ बयान फरमाया, यहाँ उन शहदा के ऊँट बंधेंगे, यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे, यहाँ उनके खून बहेंगे, जवानान आले मोहम्मद इस मैदान में शहीद होंगे, आसमान और ज़मीन इन पर रोएगा। इन हदीसों से मालूम होता है कि अलीउल मुर्तज़ा सहाबाए कराम अली मुरिदवान की एक बड़ी तादाद ज़मीन करबला के चप्पे चप्पे को पहचानती थी। इन्हें मालूम था कि कहाँ ऊँट बंधेंगे, कहाँ सामान रखा जाएगा, कहाँ खून बहेगा।